हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? सुबह का काम हो गया है, ब्रेकफास्ट, बर्तन, किचन सब क्लीन हो गया है और उसके बाद यहाँ मैं हो रही हूँ तैयार कहीं जाने के लिए। और वो तो आपको पता लग ही गया होगा क्योंकि कहाँ जाती हूँ ज़्यादातर मैं। और कपड़े नहीं धुले हैं, कपड़े कल के सूखे हुए हैं, सुबह डाले हैं मैंने, अंदर रख दिए थे उतार के। कल अच्छी सी धूप नहीं थी, बादल थे, तो आज मैंने सुखा दिए हैं फिर से। और अब मैं बाहर आ गई हूँ कंघी करने के लिए क्योंकि इन दिनों मेरे बाल बहुत ज़्यादा उतर रहे हैं। बरसात के मौसम में इसी तरह उतरते हैं सभी के, क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा आता है गर्मी में तो बाल उतरने लगते हैं, फिर घर में पूरे में बाल बाल हो जाते हैं और फिर पोछे में बाल आते हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जिनके यहाँ जगह नहीं है उनको तो करना पड़ता है मजबूरी में अंदर ही, तो मेरे यहाँ जगह है, मैं कर लेती हूँ बाहर। और बस तैयार हो गई हूँ, ये बाहर चले गए हैं और हम जा रहे हैं स्टॉक लेने के लिए क्योंकि स्टॉक कम बचा हुआ था, बेडशीट भी, सूट भी, तो ये सब लेकर आएंगे। और बस तैयार हो गई हूँ, कोई बाहर जा रहे हैं ऐसी जगह तो नहीं जा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तैयार हों, तो ऐसे ही मैंने डेली वेयर के ही कपड़े डाल लिए हैं और मास्क वगैरह अच्छे से ले लिया है। और अब हम रास्ते में हैं, थोड़ी सी वीडियो मैंने रास्ते की बनाई थी, आज मैं आपको सारा दिखाने वाली हूँ, मतलब कितनी मेहनत के बाद हम कपड़ा लेकर आते हैं, स्टॉक लेकर आते हैं, कितनी मेहनत लगती है इस सब में। तो बस हम इसी तरह से जा रहे हैं और मौसम आज ठीक है, धूप निकली हुई है, देख सकते हैं आसमान साफ़ है, मोटे मोटे से जो ये वाइट वाइट बादल हैं ये दिखाई दे रहे हैं। और उत्तराखंड पार हो चुका है, अब हम यूपी में एंटर करने वाले हैं क्योंकि हम सहारनपुर जाते हैं, सहारनपुर से ही स्टॉक लेकर आते हैं। पहले हम दिल्ली से भी लेकर आते थे लेकिन दिल्ली बहुत टाइम लगता है जाने में और अब कोरोना में तो खैर बिल्कुल भी नहीं जा पाएंगे। तो देखिए अब हम यूपी में आ चुके हैं और बस इसी तरह से देखिए करना पड़ता है, बहुत फटाफट से जल्दी सारा काम किया, सारा काम करने के बाद फिर फटाफट तैयार हुई बहुत जल्दी, क्योंकि काम अगर छोड़ दूं घर का तो फिर क्या होता है, शाम को इतना काम नहीं हो पाता है जाने के बाद। और काम तो पता ही है आप लोगों को कितना हो जाता है, खाना तो बनाकर ही आना पड़ता है, बनाकर खिलाकर आज थोड़ा जल्दी बना दिया था और निकलते निकलते आज बहुत लेट हो गया था, 10 बजे हम निकले हैं, तो फिर दिन ही कितना बचता है, 2 घंटे करीब जाने में, 2 घंटे करीब आने में, इतना टाइम तो लगता ही है। और फिर बीच में सारी शॉपिंग भी होती है जो जो भी हमें लेना होता है, और इसीलिए जाती हूँ। वैसे तो मैं मंगा सकती हूँ ऑर्डर दे के, फ़ोटो दे के, क्योंकि फिर मुझे ही नहीं पता रहेगा कि फैब्रिक कैसा है, जो मैं अपने आप देखकर अच्छे से चेक करके लाती हूँ उसका मुझे पता तो है कम से कम कि फैब्रिक कौन सा है, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। नहीं तो फिर क्या होगा कि मुझे ही नहीं पता होगा और ये भी नहीं पता होगा कि ये कपड़ा कैसा निकलेगा कैसा नहीं, लेकिन जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं लेकर आती हूँ, मेहनत तो उसमें बहुत कम हो जाएगी। देखिए इस तरह से इतना सारा काम करना, और आप समझ सकते हैं शाम को फिर आने के बाद सारा काम करना होता है क्योंकि और कोई दूसरा तो है नहीं खाना वाना बनाने के लिए, और दिन भर के बच्चों के, पापा के, तो इनके चारों के बर्तन भी हो ही जाते हैं, खाना मैं एक्स्ट्रा बना के आती हूँ तो चाय वगैरह स्ट्रे सब कर लेता है अपने बाबा जी के लिए और बुआ जी के लिए, सब उनको चाय पानी सब करके दे देता है श्रेय, तो इतना तो कर ही लेता है खाना देना चाय बनाना। और बस इसी तरह से जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, जाते टाइम तो अच्छा लगता है लेकिन फिर आते टाइम इतनी थकान हो जाती है, और फिर जब ये दिखता है ना कि आने के बाद इतना सारा काम करना है, और लेट निकले हैं तो लेट ही आज आना हुआ था हमारा, लेट ही हो गए थे। देखिए मैंने तो मास्क पहन रखा है क्योंकि गाड़ी में परफ्यूम की स्मेल बहुत तेज़ हो रही है, पहले से ही है हालांकि अब नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि रमी हुई हो रही है तो इस तरह से मुझे चढ़ती है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने मास्क गाड़ी में ही पहन रखा है, इससे ठीक रहता है, स्मेल नहीं चढ़ती किसी तरह की। और अब देख सकते हैं आप हम सहारनपुर आ गए हैं और मौसम कितना आज साफ़ है, आसमान एकदम क्लीन क्लीन दिखाई दे रहा है। और जहाँ हम जाते हैं वहाँ का जो इलाका है सहारनपुर का बहुत भीड़ भाड़ वाला है, बहुत भीड़ रहती है, तो हम गाड़ी पार्किंग में लगा देंगे और फिर थोड़ा सा हमें आगे चलना है वो हम पैदल चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बस करीब 5 मिनट,
तो वो हम पैदल चलेंगे। तो हम यहाँ पार्किंग में आ गए हैं, तो यहाँ कर देंगे हम गाड़ी और फिर चलेंगे जहाँ पर हमें जाना है। फिर मैंने आगे की कोई वीडियो नहीं बनाई थी, बस यहाँ तक बनाई थी। पता नहीं किसी को शॉप में इस तरह अच्छा लगे ना लगे, क्योंकि दूसरे भी कस्टमर होते हैं वहाँ पे। और देखिए इसमें कुछ हमें वापस करना था, जो थोड़ा बहुत कटा वटा निकल जाता है वो हम वापस कर देते हैं, चेंज कर देते हैं मतलब। तो बस अब हम मार्केट में आने ही वाले हैं यहाँ पे, और वो ये सोचती हूँ कि दूसरे भी कस्टमर होते हैं तो इसलिए मैं अंदर कुछ भी शूट नहीं करती हूँ, क्योंकि किसी को अच्छा लगे ना लगे। और अब हम वापस निकल लिए हैं घर के लिए सामान लेकर। फिर हमने यहाँ पे ई रिक्शा की है, तो रिक्शा में हमने सामान रखवा लिया है सारा, और ये आगे बैठे हैं, मैं पीछे बैठी हूँ। तो हल्की सी क्लिप मैंने यहाँ पे बनाई थी क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था और गाड़ी नहीं यहाँ पे आई थी, आ सकती थी मतलब, डिवाइडर लगे हुए थे। पहले तो आ जाती थी लेकिन इस बार नहीं आई, तो गाड़ी नहीं आ पाई थी। फिर हमने रिक्शा से ही सारा सामान यहाँ पर लिया, और अब ये रखवा रहे हैं सामान अच्छे से जैसे भी एडजस्ट होगा, क्योंकि 7-8 आइटम हमारे हो गए थे, तो इस तरह से ये सब रखवा देंगे। और बस फिर चलेंगे घर। और धूप आप देख सकते हैं 3:30-4 का टाइम हमें यहीं पे हो गया था, और दिन भर भूखे प्यासे इतनी मेहनत करनी पड़ती है, मतलब इजी नहीं होता है ये। इजी लगता ज़रूर है क्योंकि जो काम हम करते नहीं हैं हमें थोड़ा सा इजी लगता है, लेकिन इजी कोई भी काम नहीं होता है, बहुत मेहनत होती है इस काम में। क्योंकि गर्मी काफ़ी टाइम से चल रही है, और गर्मी में कितनी बार हम आ चुके हैं इस तरह से। और बस फिर वहाँ से मैंने कुछ भी रिकॉर्ड उसके बाद नहीं किया, आने में हमें शाम ही हो गई थी। और फिर आने के बाद नहाना, और उसके बाद पूजा का टाइम हो गया था, पूजा की और चाय ली, क्योंकि पूरा दिन हो गया था भूखे प्यासे इसी तरह से। टाइम नहीं था चाय लेने का, खाने में लेट ही हो गया है, लेकिन सर में इतना दर्द था कि पूछे मत, तो इस तरह से हालत हो रही थी। और यहाँ मैं आज खाने में बनाने वाली हूँ कढ़ी, कढ़ी आज थोड़ी सी डिफरेंट बनाऊँगी, तो उसकी मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ। अदरक लहसुन मैंने ग्रेट कर लिया है, प्याज 2 बड़े साइज़ की मोटी मोटी काट ली हैं, और 2 ये मीडियम साइज़ के आलू, इनको भी इस तरह से स्लाइस में पतला पतला काट लिया है। तो ये सब मैंने तैयारी की है, कढ़ाई चढ़ा ली है। अब कढ़ाई में डाल दूँगी सरसों का तेल, और तेल को अच्छे से गरम करेंगे, क्योंकि सरसों का तेल पहले गरम करना होता है अच्छे से, नहीं तो इसमें थोड़ा सा कड़वाट आने लगता है, तेल का फ्लेवर आने लगता है सब्ज़ी में। तो तेल गरम होने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया है हींग और सूखी लाल मिर्च, और ये लाल मिर्च छोटे वाली लाल मिर्च हैं, जो लौंगिया मिर्च बोली जाती हैं, बहुत तीखी हैं। आज खाने में बोल रहे थे कि आज कैसी मिर्ची डाली है ये, तो बहुत तीखी थी। और फिर इसमें मैंने डाल दिया है 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच मेथी दाना, और थोड़े से लिए हैं फ्रेश करी पत्ता। और उनको थोड़ा सा होने के बाद जीरा और मेथी दाना को, फिर मैंने इसमें डाल दिया है अदरक लहसुन जो ग्रेट करके रखा था। और आज आते टाइम सब्जी भी ली, तो उसमें भी काफ़ी लेट हो गया था। आज 1-2 सब्जी थोड़ी सी अलग लेके आई हूँ, क्योंकि ये तो सब यही लाते रहते हैं रोज़, वो ही रोज़ वाला। तो यहाँ पर मैं अदरक भी आज फ्रेश लेकर आई हूँ, और लहसुन भी ख़त्म था, लहसुन भी लेकर आई हूँ। तो बस इनको हल्का सा होने के बाद, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है कलर, हल्का सा ही भूनना है। फिर मैंने डाल दी है ये मोटी मोटी लंबी लंबी काटी हुई प्याज, और आप इस कढ़ी को प्याज वाली कढ़ी बोल सकते हैं, क्योंकि ये प्याज वाली कढ़ी ही है, प्याज की कढ़ी। तो इस तरह से मैं इसकी स्लाइस अलग कर रही हूँ, जो मोटे मोटे से पीस दिखाई दे रहे थे उनको मैं खोल रही हूँ, जो मतलब प्याज की लेयर होती है उनको अलग अलग कर रही हूँ। और प्याज को भूनना नहीं है बहुत ज़्यादा, हल्का सा रोस्ट करना है। और फिर इसमें डाल दिए हैं सूखे मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। और लाल मिर्च आपने देखी होगी, कश्मीरी लाल मिर्च भी डाली है कलर वाली, और थोड़ी सी तीखे वाली भी डाली है, क्योंकि पूरा दिन इस तरह से भूखा रहने से, और मतलब गाड़ी में इस तरह थक गए थे गर्मी में, तो मन कर रहा था थोड़ा सा चटपटा तीखा सा खाने का कुछ। मन तो ये भी था कि बना बनाया मिल जाए और गरम गरम खाना बस जाते ही नहाने के बाद सामने आ जाए, लेकिन ऐसा तो मुमकिन नहीं होगा कभी भी। अभी तो बहुत दिन नहीं है, तो मन तो मेरा ऐसा हो रहा था क्योंकि थकान इतनी थी। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं आलू, इनको अच्छे से मिक्स कर दिया है, और नमक डाल दिया है जिससे कि आलू थोड़े से गल जाएं।
और देखिए ये तैयारी सुबह होनी थी, मक्खन सुबह बनना था, लेकिन ये भी अभी बना है साथ साथ। ये मक्खन निकल गया है और ये उसका मट्ठा जो मतलब छाछ निकली है, उसमें मैंने बेसन घोल के रख दिया है पहले ही। सबसे पहले पूजा के बाद मक्खन ही बनाया है। श्रेय बना देता या अंश बना देता, अंश घर पे नहीं था, वो बाहर गया है पापा के साथ थोड़ी देर के लिए, और श्रेय की चल रही थी क्लास ट्यूशन की, तो ये सब मुझे ही करना पड़ा। लेट काफ़ी हो गया था, लेकिन मन था कि कढ़ी ही बनाऊं, तो इसलिए कढ़ी ही बनाई। और बस आलू देखा आपने, मैंने काट कर देखा है 50% आलू गल गए हैं, तो अब मैंने इसमें डाल दी है जो बेसन का घोल रखा था मट्ठे वाला वो। और यहाँ क्वांटिटी नहीं बता रही हूँ क्योंकि मेरी क्वांटिटी अलग होती है, आप अपने हिसाब से डालें। इसमें मैंने जितना भी लिया था मट्ठा, इसमें मैंने एक छोटी कटोरी बेसन डाला था, या एक कप बोल सकते हैं आप, और उसका मैंने घोल बना लिया था। उस पर भी डिपेंड करता है कि हम दही की कढ़ी बना रहे हैं या मट्ठे की, तो उस पर भी बेसन डिपेंड करता है कि हमें कितना डालना है। तो बस थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है भगोने को धोकर, उसमें थोड़ा सा बेसन लगा हुआ था, और बस इसको चलाते हुए अब मतलब उबाल आने तक चलाएंगे। छोड़ना नहीं है क्योंकि नमक पहले से ही है आलू गलने के लिए, कहीं फट ना जाए। लेकिन अगर इस तरह से चलाते रहते हैं तो बिल्कुल भी नहीं फटती, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं फटी है। और बस चलाना पड़ता है इसको, ऐसा नहीं कि छोड़कर इधर उधर हो जाएं, तो इसका ध्यान रखना पड़ता है, तब तक बॉयल नहीं आता। बॉयल आने के बाद आप छोड़ दें, हल्का सा ढक दें, थोड़ा सा रख दें ऐसे खुला, पूरी ढकें तो फिर मीडियम आँच करनी पड़ती है। आज तो तभी मीडियम ही करेंगे क्योंकि कढ़ी में बॉयल आ जाता है और फिर बाहर आ जाती है उफन के। तो बस अब इसमें बॉयल आने वाला है, उधर मैंने चावल का पानी चढ़ा दिया है, चावल कढ़ी छोंकने से पहले ही भिगा के रख दिए थे। तो बस इस तरह से लगी हुई हूँ आने के बाद खाने में, और फिर भी लेट ही हो गया था, 9:30 का टाइम हो ही गया था खाना खाते खाते, तो इतना टाइम लग गया था आने के बाद, लेकिन खानी कढ़ी ही थी तो इसलिए कढ़ी ही बनाई। और थोड़ा सा फ्लेवर अलग है लेकिन बहुत टेस्टी होती है, एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखना। इस तरह से हर बार पकोड़े वाली या सिंपल वाली कढ़ी नॉर्मल खाते खाते बोर हो जाते हैं, तो ये थोड़ा सा फ्लेवर इसका चेंज हो जाता है। और देखिए इधर पानी बॉयल हो गया है, उसमें मैंने डाल दिए हैं चावल, और बस चावल को चला दूंगी, ढक दूंगी अभी, क्योंकि भगोने में पानी थोड़ा ज़्यादा होता है तो इतनी जल्दी एकदम बॉयल नहीं आता, रुक जाता है। तो इधर मैंने बर्तन करना शुरू कर दिया है क्योंकि मेरे जाने के बाद जितने भी बर्तन पड़े थे, मक्खन बनाया, तो ये सब मैं फटाफट से अब यहाँ बर्तन कर लूँगी, और उधर मैं चेक करती रहूँगी गैस पे चावल और कढ़ी भी बीच बीच में। तो इस तरह से करना पड़ता है क्योंकि बर्तन पहले करती तो खाने में बहुत लेट हो जाता, फिर पापा इंतज़ार करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। मुझे अपना नहीं है क्योंकि हम तो चलिए अपने आप कभी भी खा लें कभी भी बना लें, लेकिन जो बुज़ुर्ग होते हैं घर में तो उनका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है टाइम का, अच्छा नहीं लगता इंतज़ार करवाते हुए, पता नहीं बहू कब खाना बना कर देगी, कब हम खाएंगे, मुझे ऐसा फील होने लगता है अपने आप ही। बोलते नहीं हैं, कहते नहीं हैं कभी भी, लेकिन सोचना पड़ता है इस तरह से, अच्छा नहीं लगता। तो बस मुझे उनकी टेंशन रहती है कि उनको एक बार टाइम से खाना दे दूँ, हमारा कुछ नहीं, हम एक घंटा बाद भी खा लेते हैं बनने के बाद भी, हमारा कुछ भी नहीं है टाइम कि हमें फ़िक्स टाइम पे खाना होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन पापा का थोड़ा सा फिक्स चलता है। तो बस बर्तन भी लगभग हो ही गए हैं, एक दो बड़ा बड़ा सा बर्तन बचा है वो मैं अभी छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे चेक करने हैं चावल कहीं ज़्यादा ना गल जाएं, और कढ़ी भी चलानी है, तो ये मैं बाद में करूँगी। हो ही जाता है इस तरह से करने से। तो देखिए कढ़ी भी अच्छे से पक गई है, बीच में मैंने एक बार चला दिया था, देख सकते हैं आप बहुत अच्छा बॉयल आया है, बहुत ज़्यादा उबल रही थी कढ़ी, मतलब बाहर छींटे आ रहे थे इसीलिए मैंने ढका हुआ था। और बस कढ़ी को मैंने चला दिया है, यहाँ चावल देख रही हूँ, और चावल की जो गैस है वो थोड़ी सी कम की हुई थी क्योंकि फिर वो होता है ना बाहर आ जाते हैं, पानी काफ़ी है तो मैं चावल तो कम में ही बनाती हूँ। और बस कढ़ी तो हो गई है, अब मैं कढ़ी में डाल दूँगी यहाँ गरम मसाला थोड़ा सा, और कढ़ी हो जाएगी हमारी तैयार। उधर मैं चावल भी चेक कर रही हूँ, पहले नहीं गले थे अच्छे से, थोड़ा सा और पका रही हूँ अभी चावल, और बस आधा चम्मच गरम मसाला डाल दिया है कढ़ी में, और इसको अच्छे से मैं चला दूँगी, मिक्स कर दूँगी गरम मसाला को। और गरम मसाला अच्छे से मिक्स करना पड़ता है क्योंकि कढ़ी थोड़ी सी थिक हो गई है, और इस टाइम पर जो बारीक मसाला होता है उसकी जो है गांठें सी बन जाती हैं,
लेकिन मेरा घर का जो पिसा हुआ है गरम मसाला उसका ऐसे नहीं होता, रेडीमेड का हो जाता है वो, बहुत ही मतलब महीन सा पिसा हुआ होता है, बारीक सा। और बस चावल का मैंने पानी निकाल दिया है, एक बार चावल ऊपर से नीचे कर दिए हैं ताकि नीचे के ज़्यादा ना गले, एक बार कर देती हूँ तो फिर चावल ऊपर नीचे के सब एक जैसे हो जाते हैं। और आप देखिए खाना तैयार है, कढ़ी बन गई है बहुत ही अच्छी सी। अब कढ़ी का तड़का बनाएंगे, और तड़का आप चाहे ना भी डालें, तड़का हम पहले भी लगा चुके हैं लेकिन उससे कलर अच्छा आ जाता है। और कढ़ी आप देख सकते हैं कितनी क्रीमी सी बनी है, जो एक घर का मट्ठा होता है ना, घर की छान, इसकी जो मलाई वाला मट्ठा होता है, इसकी कढ़ी बहुत ही अच्छी क्रीमी बनती है। और दही मैंने ठीक ठाक डाल दी थी जब मैंने इसको जावन लगाया था मलाई को, क्योंकि उससे थोड़ा सा खटास अच्छा आ जाता है। और बस इधर घी लिया है, घी में थोड़ा सा जीरा, और गैस बंद करने के बाद डाली है कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। और बस तड़का हमारा तैयार हो गया है, थोड़ा सा जीरे का और घी का तड़का लगाएं ऊपर से, तो देखिए कढ़ी का कलर कितना मस्त आया है, बहुत ही टेस्टी लग रही है देखने में, और खाने में तो थी ही बहुत टेस्टी। तो देखिए थाली हमारी तैयार हो गई है, रोटी सेक ली है क्योंकि रोटी भी सेकना ज़रूरी था, पूरा दिन के भूखे थे और ये चावल इतने नहीं खाते हैं, कभी मैं आलस कर जाती हूँ या ये ही बोल देते हैं कि आज चावल ही खाएंगे, जैसे राजमा हो गया, तो उससे हमारे यहाँ रोटी कम खाई जाती है, लेकिन कढ़ी से रोटी बनती ही बनती है हर हाल में। तो कढ़ी टेस्टी वाली, चावल और करारी करारी रोटियां और गुलाब जामुन जो आपको नहीं दिखाई थी अब तक, मैंने दिखाए थे मतलब जो जन्माष्टमी वाले दिन बनाए थे। और देखिए देखिए कितना मतलब जो है ना इनका टेक्सचर एकदम हलवाई जैसा दिखाई दे रहा है, एकदम जूस अंदर तक, जो चाशनी है अंदर तक गई है, बहुत ही टेस्टी गुलाब जामुन है। तो आइए आप लोग भी डिनर कर लीजिए और बताइए कैसा बना है। देखिए खाना वाना हो गया है, मैंने बोला था कि सब्जी लेकर आए हैं और सब्जी भी मैंने धुल ली है, बर्तन सारे कर दिए हैं दोबारा से खाना खाने के बाद, क्योंकि बर्तन नहीं छोड़ सकती, अगर छोड़ती हूँ तो सुबह तक मतलब मन में रात भर पूरा यही रहता है कि बर्तन पड़े हुए हैं, बर्तन पड़े हुए हैं। और सुबह मेरा फास्ट भी है एकादशी का, तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकती थी, तो बर्तन भी कर दिए हैं, लेकिन मन बिल्कुल नहीं था। पैर ऐसे जवाब दे रहे हैं इस टाइम, बस पूछिए मत, हालत इतनी ख़राब है पूरा दिन करते करते, लेकिन ये भी करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ बस अब मैं किचन क्लीन कर रही हूँ और टाइल्स वगैरह पे कपड़ा मार रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि कढ़ी के छींटे चले ही जाते हैं, या फिर दाल में तड़का लगाओ तो उसके भी, सूखी सब्जी बनाते हैं तो उसमें इतने नहीं जाते, या फिर ग्रेवी वाली सब्जी होती है तो उसके तो चले ही जाते हैं। तो बस यहाँ सब क्लीन हो गया है, सब्जी पहले से ही अच्छे से नमक के पानी में मैंने भिगा के रख दी थी खाना खाने से पहले ही, और बस फिर इसको अच्छे से धो के रख दिया है, अब सब्जी सूख जाएगी। और अब फ्रिज में रखने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है क्योंकि अभी तो सूखी नहीं है, तो इस पे मैं एक कपड़ा डाल दूंगी यहीं पे, क्योंकि एक आध ना छिपकली हो रही है घर में, तो वो अच्छा नहीं लगता कि सब्जी के ऊपर घूम जाए छिपकली, क्योंकि खाने की चीज़ें हैं बर्तन वगैरह में तो नहीं आती हैं। तो बस किचन मेरी क्लीन हो गई है, काम हो गया है ख़त्म। हेलो जी, कैसे हो आप सब? आज सुबह से आपसे मिली नहीं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा आपसे मिलने का। कोशिश कर रही थी कि आने के बाद आपसे दो बातें कर लूँ 2 मिनट के लिए, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं लगा क्योंकि लेट आज काफ़ी हो गए थे, आने में ही शाम हो गई थी आज, और बीच में सब्जी वगैरह ली थी तो एक दो जगह बीच में रुकना भी पड़ा था कुछ लेने के लिए ही, और वहाँ मैंने वीडियो नहीं बनाई। बाद में मुझे ध्यान आता है कि मैं यहाँ पे भी थोड़ी बहुत वीडियो बना सकती थी, शूट कर सकती थी थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं आता बिल्कुल भी। जब सारा काम हो लेता है ना तब याद आता है, अरे वीडियो तो बनाई नहीं है तो इस तरह से हुआ, और आने के बाद बिल्कुल टाइम सच में बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि आने के बाद तुरंत नहाई, सर धोया, बाल अभी गीले हैं बांध रखे थे क्योंकि साथ के साथ खाना बनाने लग गई थी, अब बस बैठ के बिस्तर पे तभी बाल सुखाऊंगी, कुछ तो सूख ही गए हैं लेकिन कुछ गीले हैं, तो ये हालत थी। और बस उसके बाद फिर आते ही नहाने के बाद तुरंत की पूजा, बस पूरा दिन इसी तरह से, इतनी मेहनत करनी पड़ती है मतलब पूछिए मत, इतना इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन अपने साथ में इनको भी परेशान कर रही हूँ इनको भी थका कर रखती हूँ, इनको हम वजन नहीं उठाने देते बहुत ज़्यादा, क्योंकि डर लगता है, शुगर लेवल काफ़ी रहता है इनका, तो इसलिए
कभी चक्कर वक्कर आ जाए और आ भी जाते हैं इनको तो इनको हम उठाने नहीं देते हैं, सिरे उतारता है। और गर्मी इतनी तो खैर नहीं थी आज, थोड़ा सा राहत थी आज गर्मी की, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी। ज़्यादा टाइम कभी धूप थी कभी छाया थी और थोड़ी थोड़ी सी हवा थी आज, तो मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा उमस भरा दिन नहीं था, तो गर्मी से तो खैर ठीक था। लेकिन बहुत सारा कुछ लेना होता है, लेते लेते देखते देखते आराम से देखते हैं तो टाइम हो ही जाता है। और ऐसा नहीं है कि एक आध सामान है तो लेकर आ जाए, जैसे सूट लेने गए हैं तो सूट ही लेकर आ जाए, तो फिर साथ में हम सारा ही लेकर आते हैं, जैसे बेडशीट का भी हो गया, साड़ी भी हो गई और सूट भी हो गए, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इतना ईजी नहीं है मेरे लिए क्योंकि मैं ऑनलाइन नहीं मंगाती हूँ कि जैसे ऑर्डर दे दिया, मैं अपने आप देख कर अच्छे से चेक करके, इनको भी छुट्टी लेनी पड़ती है ऑफिस से, इतनी मेहनत करने के बाद भी पता नहीं क्या रिजल्ट निकले, कुछ हासिल हो ना हो ये कुछ नहीं पता होता है पहले, लेकिन मेरा काम है मेहनत करना जो मैं दिल से करती हूँ। और आपको भी लग रहा होगा कि कितनी मेहनत है, धूप में भूखे प्यासे। बस यही था, मेरे ही सर भूत सवार था कि मुझे कुछ करना है कुछ करना है। और सबसे बड़ी बात, घर में जो दुकान बनवा ली थी, शॉप निकाली थी, उससे जा ये सारा काम शुरू हुआ था। खैर यूट्यूब पर तो मैं नहीं थी तब, दुकान तो पहले से ही है, लेकिन पहले इतना नहीं मतलब स्टॉक आता था, यहाँ के लिए थोड़ा ही आता था, बहुत ज़्यादा नहीं आता था। लेकिन जैसे अब मैंने आप लोगों को शॉपिंग कराना शुरू किया है ना घर से, तो इसमें मुझे जल्दी जाना पड़ता है। और जाती इसलिए हूँ क्योंकि विश्वास तभी मुझे आता है तब मैं अपने आप चेक करके लाती हूँ हर चीज़, हर कपड़ा, हर फैब्रिक। बेडशीट के भी अगर मैं मतलब ऐसे मंगवाऊँ ऑर्डर देके, तो पता नहीं फैब्रिक कैसा आ जाए, कलर वो कैसा रख दें, डिज़ाइन कैसा रख दें, तो मैं एक-एक चीज़ देख कर लाती हूँ जो मुझे पसंद आता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को तो पसंद आएगा ही जब मैं इतने ध्यान से बहुत मेहनत करके लेकर आती हूँ। और देखिए, एक तो मुझे शौक भी चढ़ा था कि मैं कुछ करूँ, और जब मैंने ये लाइन पकड़ ही ली थी, दुकान कर ही ली थी कपड़े की घर में ही, तो फिर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना भी चाहती थी, तो इसलिए मैंने ये शुरू किया है। और इसमें ये मेरा पूरा पूरा साथ दे रहे हैं, अपना ऑफिस भी छोड़ते हैं, मेहनत करते हैं, पैकिंग करते हैं, तो ये भी काफ़ी मतलब बिजी है मेरे चक्कर में, मैं तो हूँ ही, मेरा तो आप लोग देख ही रहे होंगे क्या हाल रहा है। सच में बहुत मेहनत लगती है इस काम में भी, काम कोई भी कर ले, मेहनत के बिना कुछ भी नहीं होता है। तो बस यही उम्मीद करती हूँ कि मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, और मेरा काम यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता है कि मैं लेकर आ गई, घर में आ गया और काम ख़त्म हो गया कपड़ा, इससे आगे भी बहुत ज़्यादा काम रह जाता है। अभी दिखाऊंगी आपको किस तरह से पड़ा हुआ है। और फिर अभी मुझे ये भी नहीं पता कि वो लोग कैसे भर के मतलब देते हैं, बोरे वगैरह भर के देते हैं, किस में क्या चीज़ है, वो सारा देखना होता है निकाल निकाल कर, घर का भी सारा काम है। तो अब जैसे स्टॉक आया है उसके बाद कम से कम 3-4 दिन पूरे बिजी जाएंगे, जिसमें ना खाने का कोई टाइम होता है ना कोई काम करने का टाइम होता है, तो इस तरह से रहता है 3-4 दिन, फिर भी बहुत ज़्यादा बिजी बिजी, जब तक वो कंट्रोल से में नहीं आता है काम। एक आध वीडियो बनती है, कुछ फैब्रिक निकलते हैं, निकलने का तो खैर पता नहीं है, आप लोगों को जो पसंद आएगा वही निकलेगा, लेकिन मेहनत से बहुत लेकर आती हूँ, बहुत मन से और बहुत प्यार से। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या लेकर आई हूँ, मतलब कि किस तरह मेरा स्टॉक पड़ा हुआ है। तो देखिए, बाहर मैं नहीं बोली थी क्योंकि पापा सो गए हैं, उनका टीवी बंद हो गया है, आवाज़ आनी बंद हो गई है, तो मैंने डिस्टर्ब करना ज़रूरी नहीं समझा कि सोचेंगे रात भर बोलती घूमती है। तो बस अब करते हैं वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने अब तक नहीं किया है, और लाइक दीजिएगा वीडियो को, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब मैं मिलती हूँ कल आपसे एक नई वीडियो में, और हाँ
वीडियो में तो तब मिलूंगी, कल है इंडिपेंडेंस डे जब ये आपको वीडियो मिलेगी, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त। तो आप सभी लोगों को इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं। तो चलिए अब मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।